लॉजिकल प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंगस्टन मॉल हैज मोर स्टोर्स देन, ऐसा करते इसको भी मैं शॉर्टकट में, इसको के मान लेते, इसको जी, और नेक्स्ट क्या नाम आया है ये, इसको एफ मान लेते. ठीक है, तीन नाम आए हैं तो के, जी और एफ मान लेते, आसान हो जाएगा. तो कहा जा रहा है कि द के हैज मोर स्टोर्स देन जी, तो हम K को जो है ऐसे लिख लेंगे कि K is greater than G. फिर नेक्स्ट है कि the F mall has fewer stores than the G, मतलब F जो है उसके स्टोर्स कम है G से, इसका मतलब कि G बड़ा हो जाएगा F से. अब ये हमारे पास वो रिलेशन बन गया, तो देखना क्या है, the K mall has more stores than the F mall. तो देखो K में, K जो है वो सबसे बड़ा है, तो F और G दोनों से बड़ा है, तो F से तो ऑब्वियसली बड़ा होगा. इसका मतलब कि हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, K mall के स्टोर्स जो है वो F से ज़्यादा ही है, बल्कि G से भी ज़्यादा है, लेकिन जो कहा गया उसको देख कर, मतलब जो भी हमें कहा जा सकता है ना थर्ड स्टेटमेंट में, तो उसको देख कर, अगर कहा जाता के मतलब दोनों से ज़्यादा, तब भी करेक्ट होता ही है. बस इस रिलेशन में सारी बात होती है, जब आप ये सही बना लो तो आंसर खुद ब खुद निकल आता है. तो थर्ड स्टेटमेंट चूंकि सही है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑल द ट्यूलिप्स इन ज्यूस गार्डन आर वाइट, मतलब जितने भी ट्यूलिप्स है वो सारे के सारे वाइट है. फिर कहा जा रहा है ऑल द पेंसीज इन ज्यूस गार्डन आर येलो, और फिर जितने भी पेंसीज है वो सारे के सारे येलो है. फिर थर्ड स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट तो हम सही मानते हैं क्योंकि कहा जाता है कि दो स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा. तो अब थर्ड स्टेटमेंट को गौर से देखें, ऑल द फ्लावर्स इन ज़ूस गार्डन आर आइदर वाइट आर येलो. ज़्यादातर लोग शायद सोचे कि ये बिल्कुल सही है क्योंकि कुछ तो वाइट है कुछ येलो है, तो मतलब ये स्टेटमेंट सही होगा कि या तो सारे फ्लावर्स में से कुछ वाइट है या येलो है, लेकिन ये थर्ड सही स्टेटमेंट नहीं है. उसकी वजह सुने, इन्होंने यहाँ पर हमें सिर्फ दो किस्म के फ्लावर्स के बारे में कहा था, ट्यूलिप्स के बारे में और पेंसीज के बारे में, कि ट्यूलिप्स वाइट है और पेंसीज येलो है, लेकिन ये नहीं कहा था कि गार्डन में सिर्फ यही दो किस्म के फ्लावर्स है, गार्डन में और किस्म के फ्लावर्स भी हो सकते हैं. इसका मतलब अगर हम इस पर कन्फ्यूज है, हम शक में है, नहीं कह सकते, इसको गलत भी नहीं माना जा सकता इस स्टेटमेंट को, ये भी याद रखे. क्यों गलत तो हम तब मानते हैं ना जब हमें क्लियरली पता होता है, पिछले अभी मैंने जो क्वेश्चन किए थे उनमें से कुछ गलत भी आए थे वो आपको पता चल गया, लेकिन ये क्वेश्चन ना तो हम सही मान सकते हैं ना गलत ये थर्ड स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि अगर ज़ूस गार्डन में सिर्फ यही दो किस्म के फूल हो तो फिर तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि या तो फिर सारे फ्लावर्स में से वाइट होंगे कुछ या येलो होंगे, लेकिन अगर इन दो के अलावा और टाइप्स के फूल भी हो गार्डन में तो उनके कलर्स का फिर हमें नहीं पता. इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है, ये थर्ड स्टेटमेंट, ये अनसर्टन हो जाएगा. हमें तीन ऑप्शन दिए जाते हैं ना, ट्रू फॉल्स और अनसर्टन, तो ये अनसर्टन है, इसके बारे में हम क्लियरली नहीं बता सकते कि ये गलत है या सही है. तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अनसर्टन, ये क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बना. मतलब चलो अच्छा हुआ कि क्वेश्चन ऐसा भी आया जिसका आंसर अनसर्टन आ रहा है हमारे पास.